वर्सेस फ्रेंडशिप जेन्युइन या दोन संघ दरम्यान. धन्यवाद. सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों के, इस मैदान के भीतर मैं भूषण नाई कमेंट कक्षा की ओर से दया दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. शानदार आयोजन इस पूरे प्रतियोगिता का, आज का पहला दिन, तमाम दर्शकों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत इस प्रतियोगिता के दौरान. और रोमहर्षक मुकाबले देखने का अवसर जो कि इस स्वयं उच्चक के दौरान जो कि प्राप्त होता हुआ. महत्वपूर्ण दोपहर के सत्र का मुकाबला त्रिमूर्ति तवड़े वर्सेस यंग स्टार देवबाग के बीच में. टॉस जीतकर पहले लिया बल्लेबाजी का फैसला और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया त्रिमूर्ति तवड़े टीम को. स्ट्राइक गेंद के ऊपर संदीप मकवाना और मनोज सकपाल जो कि प्रारंभिक जोड़ी देवबाग टीम की ओर से, और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर त्रिमूर्ति तवड़े टीम की ओर से प्रारंभिक गेंदबाज पहला ओवर लेकर. पहली गेंद को खेल दिया विद लॉन्ग कार्पेट गेंद, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ रीजन में तेज रफ्तार से निकली सीमा रेखा पार. पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ स्वैग से हुआ स्वागत गेंदबाज का संदीप मकवाना के बल्ले से. प्रारंभिक पहला ओवर लेकर गेंदबाज गंगा जो कि मोर्चे के ऊपर चौकार की सहायता से रन संख्या शुरुआत हुई संदीप के बल्ले से चार रन के ऊपर. फिर एक बार जड़ में डाली हुई गेंद खोद के निकली, गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवरेज क्षेत्र में. फिलहाल खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रन लेने की तमाम शंका को समाप्त कर दिया. रन संख्या रुकी चार रन के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल जो कि प्रगति के ऊपर. पांच ओवर का महत्वपूर्ण मुकाबला, पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर. पिछले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, 25 रन की आक्रामक बल्लेबाजी पांच गेंदों में जिसने खेली, वही संदीप मकवाना जो कि स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाजी के लिए. फिर एक बार उड़ाया जरूर हवाई फायर गेंद चली गई, फिर एक बार जो कि यहाँ पर लॉन्ग ऑन रीजन में पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे रन की तमाम शंका को समाप्त कर दिया. एक रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित होती हुई जो कि पांच रन के ऊपर. पहले ओवर का खेल जो कि प्रगति के ऊपर. पहली गेंद के ऊपर चौकार जरूर निकला, लेकिन उसके बाद की जो दो गेंदें निकली वो शानदार निकली, बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली. बल्लेबाजी के लिए फिर छोटा पैकेज निश्चित रूप से मनोज सकपाल स्ट्राइक गेंद के ऊपर. यंगस्टार देवबाग वर्सेस त्रिमूर्ति तवड़े के बीच में महत्वपूर्ण मुकाबले की यह दूसरी लड़त नजर आती हुई. फिर एक बार जड़ में डाली हुई गेंद बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली विद टाइट स्ट्रोक यहाँ पर गेंद को खेल दिया जो कि एक रन मुकम्मल होता हुआ. और एक रन की सहायता से रन संख्या फिर एक बार परावर्तित होती हुई जो कि छह रन के ऊपर. बिना विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल प्रगति के ऊपर. पांच ओवर का मुकाबला 50 या 60 का टोटल फाइटिंग टोटल रहेगा और उसी के यहाँ पर और प्रयास और सफर करने की कोशिश बल्लेबाजों की नजर आती हुई. प्रारंभिक जोड़ी कसी हुई जो कि नजर आती हुई मनोज सकपाल और संदीप मकवाना जो कि यहाँ पर देवबाग टीम की ओर से. शॉर्ट पिच गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले और गेंद का कुछ संपर्क न हो पाया. फिलहाल रन लेने की तमाम शंका को समाप्त कर दिया. शानदार गेंद निकली, चेंज ऑफ द स्पेस यहाँ पर गेंद निकलती हुई. फिलहाल रन संख्या रुकी हुई छह रन के ऊपर. गति में जो कि मिश्रण गेंदबाज द्वारा नजर आता हुआ. पहली गेंद के ऊपर चौकार जरूर निकला, लेकिन उसके बाद की जो चार गेंदे वो परिवर्तन के तौर पर गेंदबाज डालने में गंगा जो कि सफल रहते हुए. कमेंट्री कक्षा के सामने से फिर एक बार गेंदबाजी जारी रखेंगे. ये गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लॉकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, कैच का मौका, दो खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच जरूर छूटा लेकिन गेंद चली गई जो कि सीमित क्षेत्र में एक रन के लिए. जीवदान कहा जाएगा संदीप मकवाना को, लेकिन एक रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित हुई सात के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर. पहले ओवर का खेल लगभग समाप्त होता हुआ. छह गेंदों के समाप्ति के बाद रन संख्या सात के ऊपर एक चौकार लगने के बाद संदीप मकवाना के रन संख्या जो कि रुकती हुई. फिलहाल अभी भी चार ओवर का खेल बाकी. पहले ओवर का खेल लगभग समाप्त होता हुआ एक बड़े टारगेट की ओर बिलोंग करने का जो कि इरादा बल्लेबाजों का यंगस्टार देवबाग टीम के.
बल्लेबाजों की सोच यहाँ पर प्रारंभिक बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ी होनी चाहिए, बड़े टारगेट की होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि परिंदों की तरह सोचोगे तो घोंसले में रहोगे, सोचो शहंशाह की तरह तभी ताज बनाओगे। और शहंशाह जैसी सोच अगर रखकर बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से 50 और 60 का टोटल जो कि पार करने की सक्षम क्षमता रखते हैं। निजी कोटे का पहला महत्वपूर्ण दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज गणेश जोकी मोर्चे के ऊपर, स्ट्राइक गेंद के ऊपर एक जीवदान स्वरूप बल्लेबाजी, संदीप मकवाना एक चौकार की सहायता से निजी कोटे का 5 रन का महत्वपूर्ण योगदान देकर बल्लेबाजी करता हुआ। पहली गेंद ऑफ स्टिक के बहुत बाहर जाने वाली गेंद, जिस गेंद को पंजाब टू हरियाणा अक्सर कहा जाता है वो वाइड का इशारा अंपायर किशोर भगत का हमारी ओर आता हुआ। रन संख्या 1 रन से परावर्तित 8 के ऊपर होती हुई, जीतेगा अगले मुकाबले में बिलोंग करेगा इस मुकाबले के दौरान। फिर एक बार जो कि ऑफसाइड की दिशा में बाहर जाने का वाली गेंद, लगातार 2 गेंदे अतिरिक्त डालते हुए और रन संख्या में परिवर्तन नजर आता हुआ 9 के ऊपर दूसरे ओवर का खेल जो कि प्रगति के ऊपर। नए गेंदबाज गणेश जो कि स्क्रीन के ऊपर दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी जारी रखेंगे। लगातार जो कि 3 वाइट निश्चित रूप से रन संख्या में परिवर्तन लाते हुए डबल फिगर में रन संख्या 10 के ऊपर परावर्तित होती हुई। संदीप को एक मौका बड़ी इनिंग खेलने का, क्योंकि यहाँ पर एक जीवदान स्वरूप स्ट्राइक गेंद के ऊपर वो बल्लेबाजी कर रहे, किन दूसरे ओवर की पहली 3 गेंदे अतिरिक्त गेंदबाज डालता हुआ 10 के ऊपर रन संख्या पहुंचती हुई। शॉर्ट पिच गेंद इस बार यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर सही दिशा की ओर यहाँ पर गेंद जाती हुई, आड़े बल्ले से खेलने का बल्लेबाज का इरादा असफल नजर आता हुआ, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर की दस्तानों में, रन संख्या 10 के ऊपर रुकी हुई दूसरे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर। फिर एक बार गेंदबाज जारी रहेंगे कॉमेंट्री कक्ष के सामने से, जड़ में डाली हुई गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, क्या लाजवाब गेंदबाजी, गेंदबाज की वापसी नजर आती हुई, परिवर्तन के तौर पर विपरीत परिस्थिति में गेंदबाजी बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली निकली, रन संख्या रुकी 10 के ऊपर, 2 गेंदे डॉट दूसरे ओवर की जो कि यहाँ पर गणेश द्वारा नजर आती हुई। फिर एक बार गेंदबाज गणेश जो कि जारी रहेंगे उसी हौसले के साथ कमेंट्री कक्ष के सामने से, शॉर्ट पिच गेंद, फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद का सही तरह संपर्क नहीं हो पाया, गेंद चली गई जो कि यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में, 2 रन का इशारा अंपायर का आता हुआ और 2 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित होती हुई 12 के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर। तवड़े ग्रामस्थ मित्र मंडल ऑर्गेनाइज स्वयं उच्चक आज का ये पहला दिन, और पहले दिन में कुछ कसे हुए खिलाड़ी के जो कि खेल देखने का अवसर जो कि प्राप्त होता हुआ। ये गेंद फिर एक बार जो कि लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर निकलती हुई, ये भी गेंद डॉट निकली, बड़ा शॉट खेलने का इरादा संदीप का हुआ असफल, गेंद निकली, रन संख्या फिलहाल 12 रन के ऊपर रुकी हुई दूसरे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर। पहली 3 गेंदें अतिरिक्त जरूर डाली, लेकिन उसके बाद की जो गेंदें शानदार निकलती हुई, ऑफसाइड की दिशा में बाहर जाने वाली गेंद अतिरिक्त और 1 रन खाते में जुड़ेगा, अभी तक जो कि 4 रन खर्च करते हुए अतिरिक्त स्वरूप रन संख्या पहुंचती हुई जो कि यहाँ पर 13 के ऊपर दूसरे ओवर का खेल जो कि प्रगति के ऊपर। त्रिमूर्ति तवड़े वर्सेस यंगस्टार देवबाग के बीच में महत्वपूर्ण लड़त इस प्रतियोगिता की नजर आती हुई। शॉर्ट पिच गेंद इस बार यहाँ पर सफल रहे संदीप मकवाना, गेंद यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, सनसनाता दंदनाता छक्का, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन का इजाफा। थैंक यू। 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, बिना विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल जो कि प्रगति के ऊपर। एक छक्का जरूर निकलता हुआ संदीप के बल्ले से इस ओवर में। फिर एक बार जड़ में डाली हुई गेंद, शानदार स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, पहले प्रयास में गेंद के ऊपर खिलाड़ी जो कि कवर क्षेत्र के आते
थ्रो करते, एक रन आसानी से मुकम्मल करते हुए और एक रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित होती हुई 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। दो ओवर का खेल हो गए समाप्त। प्रतिशतक 10 के हिसाब से चलने वाली रन संख्या पहुंचती हुई दो ओवर के समाप्ति के बाद 20 रन बिना विकेट के नुकसान पर। एक छक्के की लाजवाब बल्लेबाजी इस दूसरे ओवर में संदीप मकवाना करते हुए, तो दूसरे ओवर से सिक्के की गेंदबाजी करने की कोशिश गेंदबाजों की थोड़ी सी असफल नजर आती हुई। प्रतिशतक 10 के हिसाब से 20 के ऊपर रन संख्या बिलोंग करती हुई दो ओवर के समाप्ति के बाद। निजी कोटे का पहला महत्वपूर्ण तीसरा इस पहले इनिंग का ओवर लेकर गेंदबाज सिद्धेश जो कि मोर्चे के ऊपर रन संख्या 20 के ऊपर इस दूसरे ओवर में 13 रन खर्च करते हुए बल्लेबाज संदीप मकवाना स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाजी के लिए इस तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए। जड़ में डाली हुई गेंद सीधे बल्ले से गेंद को ठोक दिया, गेंद चली गई जो कि लॉन्ग ऑफ से इतना में खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जब तक उठाते थ्रो करते एक रन तो आसानी से मुकम्मल करने में समय था। एक रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर इस मुकाबले के दौरान जो कि अपर स्कोरिंग काउंटिंग का काम बेहतर निभाते हुए हमारे कमेंट्री कक्ष में परशुराम गावड़े और हमारे बगल में जो कि विनोद वराड़कर इस प्रतियोगिता के दौरान यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ऑफ स्ट्राइक की दिशा में बाहर जाने वाली गेंद अतिरिक्त और एक रन खाते में जुड़ेगा। एक रन की सहायता से रन संख्या फिर एक बार परावर्तित होती हुई 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आने वाले समय में कोशिश जारी रखनी होगी चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। फिर एक बार गेंदबाज, ये गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया ऑन साइड क्षेत्र में। एक रन आसानी से मुकम्मल होगा और एक रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित होती हुई जो कि 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर तीसरे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर। सिद्धेश नए गेंदबाज मोर्चे के ऊपर गेंदबाज करते हुए दूसरे ओवर में 13 रन खर्च हुए। ऑफस्टिक की दिशा में बाहर जाने वाली गेंद और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा। अंपायर का इशारा आया वाइड गेंद का, रन संख्या पहुंची 24 के ऊपर तीसरे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर। अभी तक 6 रन अतिरिक्त स्वरूप इस रन संख्या में जुड़ते हुए। शॉर्ट पिच गेंद फिर एक बार आड़े बल्ले से गेंद को ठोक दिया, गेंद यहां पर डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। दर्शक बंद के रह गए खिलाड़ी, एक सुल्तानी छक्का संदीप मकवाना की बल्ले से निकलता हुआ 6 रन का इजाफा। पहुंचे रन संख्या जो कि बिना विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर। शानदार बल्लेबाजी 3 छक्के की सहायता से संदीप मकवाना स्ट्राइक गेंद के ऊपर फिर एक बार जारी रहेंगे। शॉर्ट पिच गेंद बड़ा प्रहार हवाई फायर, गेंद यहां पर ट्रैवल होती हुई सीधी सीमा रेखा पार, सनसनाता छक्का जो तीसरे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर। फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद जो कि विकेटों के पीछे सीमित क्षेत्र में जाती हुई। एक रन का इशारा हम पर काया और एक रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित होती हुई 37 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर तीसरे ओवर का खेल लगभग प्रगति के ऊपर। निजी कोटे का लगभग महत्वपूर्ण योगदान देकर बल्लेबाज करता हुआ
निजी कोटे का 29 रन का योगदान देकर संदीप मकवान ने नौ स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए ये गेंद जड़ में डाली हुई। गेंद खोद कर निकालने का प्रयास, लेकिन उससे भी तेज गेंद निकली, विकेटों को हवा डालते विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद निकली तीसरे ओवर की डॉट, लेकिन दो करारे छक्के इस महत्वपूर्ण तीसरे ओवर में संदीप के बल्ले से निकले। रन संख्या 23 रन से अपर परावर्तित हुई, जो कि अपर 37 के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर तीन ओवर के समाप्ति के बाद टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई जो कि टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई यंग स्टार देवबाग टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। निजी कोटे का दूसरा महत्वपूर्ण चौथा ओवर लेकर गेंदबाज फिर एक बार गंगा जो कि जारी रहेंगे। दौड़े ग्रामस्थ मित्र मंडल आयोजित स्वयंभू चषक एक बड़ी प्रतियोगिता सिंधुदुर्ग जिले की आज इस तावड़ा के एक बड़े मैदान के ऊपर। फिर एक बार गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद हो रहा, हवाई फायर यहाँ पर निश्चित रूप से गेंद चली गई डीप मिड विकेट रीजन में, सनसनाता छक्का, दर्शक बन के रह गए खिलाड़ी आसमान। मेडल हुई गेंद, गेंद को खेल दिया मिड विकेट रीजन में, लेकिन रन लेने की तमाम शंका को समाप्त कर दिया। रन संख्या पहुंची हुई 43 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, चौथे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर 44 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस ओवर के बाद सिर्फ एक ओवर का खेल बाकी रहेगा। एक शानदार आयोजन पूरे प्रतियोगिता का नजर आता हुआ आज का पहला दिन, 43 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, चौथे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर। गंगा फिर एक बार कॉमेंट्री कक्ष के सामने से चले सावन बाहर, बड़ा शॉट लगाया, हवाई फायर गेंद सीमार का करीब जाती हुई, कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी आसान से कैच किया मुकम्मल और लगभग चार छक्के किया। आणि फ्रेंडशिप चेनवन संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या समालोचन कक्षासमोर यायचं आहे। फ्रेंडशिप चेनवन संघ कर्णधार आणि सिद्धेश्वर तावडे संघ दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर नितिन माटुंगे स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाजी के लिए। शॉर्ट पिच गेंद परिवर्तन के तौर पर अतिरिक्त उछाल गेंद लिया, गेंद तेज रफ्तार से चले गए विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या रुकी हुई 43 रन एक विकेट के नुकसान पर। शानदार बल्लेबाजी, एक जीवदान मिला था पहले ओवर में संदीप मकवाना को और उसका जवाब निश्चित रूप से चार छक्के एक चौका से मिला, जो कि 35 रन निजी कोटे का योगदान देकर वापस अपने खेमे में लौटे। मनोज का साथ देने के लिए नितिन स्ट्राइक गेंद के ऊपर जड़ में डाली हुई गेंद, गेंद को खेल दिया जो कि अपर गली क्षेत्र में। फिलहाल एक रन का इशारा अंपायर का आया और एक रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित हुई 44 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस चौथे ओवर का विवरण दिया जाए, शानदार गेंदबाजी निकलती हुई, बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली है गेंदबाजी, बढ़ती रन संख्या को रोधक लगाने वाली है जो कि गेंदबाजी। मनोज सकपाल स्ट्राइक गेंद के ऊपर चौथे ओवर की अगली गेंद लेकर फिर एक बार गेंदबाज जारी रहेंगे। शॉर्ट पिच गेंद अतिरिक्त उछाल परिवर्तन के तौर पर गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा आया वाइड गेंद का, एक रन खाते में जुड़ेगा। एक रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित होती हुई 45 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर।
इस 45 रन में निजी कोटे का 35 रन का संदीप मकवाना द्वारा योगदान निकलता हुआ, मतलब शानदार बल्लेबाजी, तोड़फोड़ वाली और संकट मोचक वाली बल्लेबाजी निकलती हुई जो कि यंगस्टार देवबाग टीम की ओर से। जड़ में डाली हुई गेंद, सीधी बल्ले से गेंद को खेल दिया, हवाई फायर गेंद, यहां पर आसमान को छूती न छूती सीमा रेखा पार, लाजवाब छक्का मनोज सकपा के बल्ले से निकलता हुआ, 6 रन का इजाफा। स्कोर बोर्ड के ऊपर इसी छक्के की सहायता से 4 ओवर का खेल हो गया समाप्त, रन संख्या 51 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए जो कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर लेकर विरोचन मोर्चे के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। इस बार यहां पर मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी आसान से कैच मुकम्मल किया, नितिन माटुंगे लौटे वापस अपने खेमे में, दूसरी सफलता नितिन के रूप में जो कि हासिल करती हुई त्रिमूर्ति दौड़े टीम, और दूसरा झटका रन संख्या 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
पर चार विकेट के नुकसान पर पहले पांच ओवर के समाप्ति के बाद। हेलो, सिद्धेश्वर तावडे संघ कर्णधार आणि फ्रेंडशिप चेनवन संघ कर्णधार, पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती आहे, आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे। सिद्धेश्वर तावडे आणि फ्रेंडशिप चेनवन संघ कर्णधार, आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे। धन्यवाद। पांच ओवर का खेल हो गए समाप्त। पांच ओवर के समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई यंग स्टार देवबाग टीम संदीप मकवाना के 35 रन के बदौलत रन संख्या 54 के ऊपर बिलोंग करती हुई। चार ओवर में पहले लग रहा था कि टोटल यहां पर 70 या 75 रन का यहां पर पार करेगा, लेकिन अंतिम ओवर में विराट चंद की जो गेंदबाजी निकली, सिक्के की गेंदबाजी, बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली और बढ़ती रन संख्या को रोधक लगने वाली गेंदबाजी निकलती हुई। अंतिम ओवर में लगभग यहां पर 3 रन खर्च करके 3 सफलता हासिल करने वाला गेंदबाज विराट चंद निकलता हुआ, जो कि 54 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर पहले 5 ओवर के समाप्ति के बाद, मतलब जीतने के लिए है। जवाब में बल्लेबाजी करते हुए त्रिमूर्ति तावड़े टीम को 55 रन की आवश्यकता। अनिश्चितताओं से भरा क्रिकेट, अंतिम गेंद जब डाली ना जाए मुकाबले का भाकित कर नहीं सकते। कौन जीतेगा? जो जीतेगा निश्चित रूप से इस स्वयंभू चषक के प्रतियोगिता में अगले मुकाबले में दूसरे मुकाबले में बिलोंग करेगा, लेकिन हारेगा उसका इस प्रतियोगिता का सफर रुकेगा, समाप्त होगा। दूसरे इनिंग में किस तरह की बल्लेबाजी गेंदबाजी होगी निश्चित रूप से तय करेगा कि किसके पक्ष में मुकाबला झुकेगा, लेकिन 55 रन का सक्षम रक्षण किस तरह से होता है और 54 रन का यहाँ पर पीछा किस तरह से होता है, ये बताने के लिए फिर एक बार हमारे सहयोगी कमेंटेटर काका सावंत कमेंट्री कक्षा में, और मैं भूषण नाईक आपकी कुछ देर के लिए विदा लेता हूँ, रुकता हूँ, ले चलता हूँ कुछ देर के लिए डीजे के और। हेलो, रवि भाई हस्ते नाणेफेक होते, फ्रेंडशिप चेनवन वर्सेस सिद्धेश्वर तावडा के बीच नाणेफेक जिंकतो तो सिद्धेश्वर तावडा संघ। फ्रेंडशिप चंदन संघ आपले 12 खेळाडूंची नाव द्या, आणि स्पर्धेचा नियम असा आहे की पाणी द्यायला अतिरिक्त खेळाडूपैकी केवळ 12 खेळाडू जाईल, कृपा करून याची नोंद घ्यायची आहे, अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी दिली जाईल। बंटी वराडकर कृपा करून पॅवलिनशी संपर्क साधा। थँक यू जॉनी। 12वा खेळाडू फक्त पाणी घेऊन जाईल, नाहीतर 2 धावांची पेनल्टी आहे, कृपा करून 12वा खेळाडूचं नाव द्यायचं आहे। आणखी एक खुश खबर आहे, एक 50,000 ची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे मळेवाड येथे, कुंभारवाडी मळेवाड आयोजित ओराम क्रिकेट स्पर्धा, टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, शनिवार दिनांक 27 एप्रिल ते 1 मे पर्यंत ही स्पर्धा चालेल। 15 एप्रिल पर्यंत नाव नोंदणी करायची आहे, प्रवेश फी 5,000 रुपये आहे, प्रथम पारितोषिक रुपये 50,019, द्वितीय पारितोषिक रुपये 25,019, उपांत्य फेरीतील पराभूत संघास 2,000 रुपये, बाकी इतर सर्व पारितोषिक आहेत। ठिकाण आहे वरची मळेवाड कुंभारवाडी कुलदेवता मंदिराजवळ,
कृपा करून इच्छुक संघाने यामध्ये सहभागी व्हायचं आहे आणि काही क्षणात सामना सुरू होते. 27 एप्रिल ते 1 मे 50,000 ची स्पर्धा सुरू होते मळेवाड येथे. सुपंथ दशहर येतोय सामना सुरू झाल्याचा. विजयासाठी बादलच्या भाषेत सांगायचं पाचक्याचं डबल गेम. 55 धावांचं लक्ष विजयासाठी. पहिल्या षटकातला पहिला चेंडू घेऊन रब्बानी. बहुत 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 अच्छी गेंद. सुरेख चेंडू. हलुवा हळुवारपणे फेकलेला चेंडू. गती परिवर्तनाचा चेंडू आणि अशा प्रकारे हा निर्धाव जातोय. विकेट कीपर बाकीचं काम पूर्ण करतोय आणि पहिला चेंडू रब्बानी असा अतिशय सुरेख योग्य टप्प्यावर टाकलेला योग्य दिशेचा चेंडू. डावखुरा फलंदाज समजू शकत नाही. फलंदाजी करतोय तो गिरीश. नॉन स्ट्राईकवर आहे तो गणेश. पुन्हा एकदा रब्बानी. पहिल्या षटकातला दुसरा चेंडू. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू. सुरेख फटका. चेंडू जातोय हवेमध्ये उंच आणि झेल टिपतोय मला वाटतं बरकत. खुरा फलंदाज. नवीन फलंदाज जातोय तो गंगा. गिरीश हा चेंडू ओढून घ्यायचा प्रयत्न होता मिड विकेटच्या दिशेने परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. तेवढासा काही चांगला संपर्क नाही आणि अशा प्रकारे चेंडू जातोय हवेत मिड विकेट बाउंड्रीच्या दिशेनं जिथं अतिशय सुरेख झेल टिपतोय रब्बानी. पुन्हा एकदा पहिल्या षटकातला तिसरा चेंडू विजयासाठी. 55 धावांचं लक्ष आहे. पहिलं षटक सुरू आहे. सुरेख चेंडू. यावेळी मात्र चेंडू जातोय तो ऑफस्टंपच्या बराच बाहेर परंतु हलकस अपील होतोय मला वाटतं. पंचांचा इशारा होतोय की नाबादचा आणि अशा प्रकारे एक सुरेख चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता होते. हलकस अपील आहे. दोन्ही पंच मला वाटतं बातचीत करतायत. तिसरा चेंडू होता लागोपाठचा निर्धाव. आणि तिसऱ्या चेंडूवर ऑफस्टंपच्या बराच बाहेरचा चेंडू आणि ज्यावर फटका खेळायचा प्रयत्न होता गणेशाचा परंतु चेंडू आणि बॅटचा मला वाटतं संपर्क नाही आणि अशा प्रकारे हा नाबाद घोषित केला जातोय पंचांकडून. पंच सतीश डोंगरे आणि किशोर भगत अशी नामवंत पंचांची जोडी. त्याचप्रमाणे उत्तम मोठे आणखी एक तिसरे पंच या स्पर्धेसाठी उपलब्ध आहेत. आणि गणेश पुन्हा एकदा सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये. लागोपाठचे तीन चेंडू अतिशय सुरेख फेकतोय इथं रब्बानी. या तीन चेंडूमध्ये कोणती धाव देत नाहीये. एक गडी बाद करतोय आणि पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्क करून अतिशय लॉंग रन जवळपास आरटीआर सर्कल करून धाव देताना हा चेंडू. चेंडू बॅटची कड घेऊन जातोय विकेट किपर यांच्या मागे आणि अशा प्रकारे केवळ एक धाव संघाची धावसंख्येचं आपलं खातं खोललं जातंय. संघाची धावसंख्या होते ती केवळ एक धाव एकाकडच्या मोबदल्यात. चार चेंडूंच्या समाप्तीनंतर रब्बानी पंचांच्या डावाबरोबर आपले उजवताना गोलंदाजी करतोय. क्षेत्ररचना पहिलंच पॉवर प्ले षटक आणि 55 धावांचा पाठलाग करताना जवळपास 2 क्षेत्ररक्षक फक्त 30 सर्कलच्या बाहेर. आडव्या बॅटनं मारलेला जमिनी लगतचा फटका केवळ स्क्वेअर लेगच्या 30 सर्कलवर फील्ड केला जातोय. तोपर्यंत एक धाव संघाच्या धावसंख्येत एखादा भर पडते आणि यावेळी आपलं खातं मात्र खोलतोय तो गंगा. गंगा आपलं खातं खोलतोय. आपल्या संघाच्या धावसंख्येत एखादा भर घालतोय. संघाची धावसंख्या होते ती 2 अशी. रब्बानी वन्स अगेन राइट अ मोर विकेट टू गणेश. ओ सुरेख चेंडूची सांगता होते आणि अशा प्रकारे दुसरा गडी मला वाटतं बाद होतोय. गणेश यांच्या स्वरूपात क्लीन बोल्ड होत आहेत. हलकेसे आपल्या क्रीज वरून
अपटमच्या बाहेर गेलेले होते आणि तिथून स्वीप खेळायचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही, चेंडू जाते सर यष्ट्यांमध्ये, दुसरा गडी बाद होतोय. थँक्यू डीजे. जे काम विरोचनने गोलंदाजीत केले, मला वाटतं शेवटी विरोचनच्याच खांद्यावर की आपल्या संघाला जिंकून द्यायची जबाबदारी येऊन पडते. मागच्या सामन्यांमधला मला वाटतं टीपीएल मधला सर्वोत्कृष्ट फलंदाज, सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज, अशा प्रकारचे अनेक बक्षिसं या तेवढा स्पर्धा लीगमध्ये विरोचनने घेतलेली आहेत. मुंबई येथे सुरेख प्रदर्शन, विरोचन आणि दीपक सावंत आमचे मित्र हे दोघेही मुंबईतल्या संघाकडनं खेळतायत, त्यांची सुरेख प्रदर्शन मुंबईमध्ये. त्याचप्रमाणे तुळसगावचे दोन सुपुत्र संतोष सावंत आणि त्याचप्रमाणे रुपेश बेहरे सध्या मुंबईमध्ये धूम माजवत आहेत. सर्व फलंदाजांचा खरंच अभिमान आहे, कारण ही आपल्या आसपासची आपली जवळची माणसं मुंबईसारख्या ठिकाणी जाऊन टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये एक वेगळं अस्तित्व निर्माण करणं तेवढी सोपी गोष्ट नाहीये. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र गोलंदाजीसाठी येतोय तो बरकत सुरेख. चेंडू पहिला चेंडू टप्पा खाऊन हलकासा आउटस्विंग होतोय आणि विकेट किपर यांच्या हातामध्ये समावतोय. विजयासाठी 55 धावांचं लक्ष पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर, दोन गाड्याच्या बोबदात केवळ दोन धावा, म्हणजे अतिशय खराब सुरुवात त्रिमूर्ती संघाची. सुरेख चेंडू, सुरेख पटका, चेंडू जातोय बराच उंच हवेत, झेल होण्याची संभावना आहे आणि झेल पडतोय आणि केवळ एका धावेवर समाधान मानतोय. इथं गंगा फ्रेंडशिप चेंडून वर्सेस सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर संघ नाणेफेक जिंकलेली आहे. आपला निर्णय त्वरित कळवायचा आहे आणि फलंदाजीचा निर्णय सिद्धेश्वर संघानं अतिशय हुशारीनं घेतलेला निर्णय आणि यावेळी मात्र चेंडू जाते सरळ मिडिकेटच्या दिशेने, एकदा पूर्ण होते, केवळ एका धावर समाधान मानावं लागतंय. संघाची धावसंख्या आणखी एका धावने वधारते, संघाची धावसंख्या पोहोचली 4 या धावसंख्येवर. विजयासाठी 55 धावांचं आव्हान असताना दुसरं षटक बरकत यांचं, रबानीनं पहिलं षटक सुरेख फेकलं, दुसरं षटक सुद्धा अतिशय सुरेख सुरुवात बरकत. सुरेख फटका, 6 धावा, चेंडू जातो सरळ सीमा पार, डीप मिड विकेट बाउलांच्या बाहेर 6 धावांसाठी. लवली हिटिंग दॅट. बरकत लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए और ये गेंद हल्की सी ओवर पिच मिली जिसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्ले के पाले में गेंद को फेंक दिया था और उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहां गंगा रन संख्या पहुंची इस मर्तबा 10 पर. ये गेंद फिर एक बार ऊपर उठाने की कोशिश, यहां क्या हो सकता है देखना है. फिर एक बार यहां फिर एक बार क्या छूटता हुआ, एक रन से रन संख्या बढ़ोतरी हुई और दूसरे रन की कोशिश आसानी के साथ दूसरा रन पूरा किया, रन संख्या 12 पर पहुंचती हुई. एक डजन धावा धाव फलकावर लागता है. विजयासाठी 55 धावांचा पाठलाग असताना दुसरा षटक सुरू असताना संघाची धावसंख्या होती ती एका गड्याच्या मोजल्यात 12 अशी. बरकत फिर एक बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए, ये गेंद गंगा के लिए 6 रन, लवली हिटिंग वंस अगेन, बहुत ही अच्छी शॉट 6 रन के लिए. घेऊन मारणं, ऍक्च्युली हा शब्द प्रयोग बऱ्याच वेळा आपल्याकडे वापरला जातो की चेंडूच्या व्यवस्थित खाली येऊन चेंडू हुक केला जातो, याला घेऊन मारणं असा एक वाक्प्रचार आपल्यामध्ये आहे. अतिशय सुरेख फटका होता नेत्रदीपक, दोन फटके दोन्ही चेंडू, पहिला चेंडू थोडासा ओव्हरपिच प्रकारचा चेंडू होता, तो चेंडू
बॅटच्या सरळ पट्ट्यात आला आणि दुसरा चेंडू मात्र अतिशय सुरेखरित्या डावखुऱ्या हाताच्या गोलंदाजाचा चेंडू नॅचरल कट होऊन अशोकजी आउटसाइड जातो आणि असा चेंडू मिडविकेटच्या बाहेर भिरकावणं तेवढी सोपी गोष्ट नाही. अतिशय सुरेख फटका सहा धावांसाठी. सगळ्या धावसंख्या पोहोचते ती 18 धावसंख्येवर एकाकडच्या मोबदल्यात आणि दोन षटक्याच्या सामन्याचा संघ धावसंख्या होती ती 55 धावांचा फाटला करताना एकाकडच्या मोबदल्यात 18 अशी सुरेख फाटला होतोय. खर तर दोन गडी बात ही धावसंख्या आहे. खर तर 55 धावांचा फाटला करताना अतिशय सुरेख आता मात्र फलंदाजी होती ती गंगा यांच्या बॅटमधन. यावेळी स्ट्राईकवर येतोय विशाल आणि पुन्हा एकदा रबानी वन्स अगेन बोलिंग राईट आम ओवर विकेट. तीसरी ओवर की पहली गेंद रबानी. अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली गई गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी. एक रन जिस पर अर्जित करते हुए हालांकि यॉर्कर लेन की गेंद थी. दूसरे रन की कोशिश हो रही थी लेकिन बहुत खतरा हो सकता है और इस एक रन के साथ रन संख्या 19 पर पहुंचती हुई 55 रनों का पीछा करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद की समाप्ति के बाद. तो इस ओवर के बाद आपके साथ जुड़ने आ रहे हैं हमारे बहुत ही चहेते अशोक जी नाइक साहब. रबानी वंस अगेन रेड मोर विकेट टू गंगा. ओ लवली हिटिंग वंस अगेन ग्रेट शॉट ओवर द मिड विकेट बाउंड्री फॉर 6 रन. बहुत बहुत अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले अशोक जी. ये गेंद भी बहुत अच्छी गेंद थी हालांकि ठीक तरह से गेंद के नीचे आए और इस गेंद को बहुत ही अच्छे टाइमिंग के साथ उछाल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए. रबानी को एक बहुत अच्छे बल्ले गेंदबाज को दिया हुआ ये बड़ा झटका. गंगा इज ऑन फायर वंस अगेन रबानी राइट ऑन ओवर द विकेट टू गंगा. ओ शायद बल्ले का या पैड पर टकरा के गेंद गई गली की तरफ. लेग बाइस का इशारा हमारे तरफ अंपायर का आता हुआ और इस एक रन के साथ रन संख्या पहुंची 26 पर. 55 रनों का पीछा चल रहा है 26 रन तीसरे ओवर की कुछ गेंदों के बाद आते हुए. तीन गेंदों के बाद अभी भी तीन गेंदें इस ओवर की शेष है यानी लगभग 15 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए चाहिए 29 रन. 15 गेंदे 29 रन यह इक्वेशन इस मैच को जीतने का. त्रिमूर्ति तलवड़ा इस मैच पर हावी होने की कोशिश जरूर कर रही है. बहुत अच्छी बल्लेबाजी ये गेंद रबानी की. ओ 6 रन वंस अगेन लवली हिटिंग ओवर द मिड विकेट बाउंड लाइन फॉर 6 रन. चौदह गेंदे जीतने के लिए 23 रन. That is called as a batting exhibition by Ganga there. 28 के कुल योग पर खेलते हुए रबानी वंस अगेन राइट ऑन बोर्ड विकेट. अच्छी गेंद अच्छा स्ट्रोक ये रन फिर एक बार मिड विकेट की तरफ खेल दिया एक रन पूरा करते हुए.
ऑफ स्टंपरचा चेंडू ओव्हर पिच बॅटला लागतोय, आडव्या बॅटनं टलवायचा प्रयत्न, ऑफ साईडचा बॉल ऑन साईडला मारायचा प्रयत्न फलंदाजाचा, अंगलट येतोय आणि पाचवा गडी तंबूमध्ये परततोय. सांगत होतं एका चांगल्या षटकाची दर्शन बांदेकरचा. समजा चार षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय, अवघ्या सहा चेंडूंचा खेळ अजून बाकी आणि बघूया नवीन फलंदाज मैदानात हा कोण जातोय. दर्शन बांदेकर करतो यापूर्वीच्या दुपारच्या सामन्यात ज्याने एक नक्की विक्रम केला तो अवांतर चेंडू टाकण्याचा. या सामन्यात मात्र अतिशय सुंदर कमबॅक करतोय, पाच धावा देतोय आणि तीन गडी बाद करतोय आणि मधली फळी मी म्हणेन तो गारद करतोय तो गोलंदाज दर्शन बांदेकर. शेवटचं षटक, अंतिम षटक, फक्त सहा चेंडूंचा खेळ अजून बाकी आणि या सहा चेंडूत सोळा धावांची आवश्यकता. आमच्यासोबत काका सावंत, भूषण नाईक, मी अशोक नाईक आणि आमच्यासोबत गुणलेखनाचं सुंदर काम करतायत ते. यापूर्वीच्या सामन्यात ज्ञानेश्वर जाधव आणि आता मात्र आमच्यासोबत परशुराम गावडे हे अतिशय सुंदर या ठिकाणी कामगिरी करतायत. यूट्यूबला गौरव सावंत, त्याचबरोबर प्रशांत पवार आणि ओमकार सावंत मैदानात पंचांचं काम बघतायत ते. त्रिमूर्ती, किशोर भगत, सतीश टोंगरे आणि उत्तम मोठे. एक मोठं आयोजन, भव्य दिव्य आयोजन या ठिकाणी तळवडे ग्रामस्थ मित्रमंडळ यांच्या वतीनं स्वयंभू चषक या ठिकाणी. आजचा पहिला दिवस, शेवटचा निर्णायक षटक, गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर आणि समोर मात्र डावखुरा फलंदाज स्ट्राईक एंडला सज्ज होतोय. लंगन लंगप्पा लंगन बाउंड्रीला आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर दिसतोय तो बरकत, थोडासा गोलंदाजीत आज महागडा ठरला. मिडविकेट बाउंड्रीला मनोज सकपाळ दिसतोय, एक डीप स्क्वेअर लेग साई काणेकर आणि शॉर्ट मिडविकेट, असे चार खेळाडू या डावखुरा फलंदाज. अजरुद्दीन शेख हा मिडविकेटला, शॉर्ट मिडविकेटला. स्लोवर वन चेंडू, एक शॉर्ट आर्म पुल पद्धतीचा फटका लॉंग अपला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, झेल टिपला जातोय, एक मिसटाईम फटका या ठिकाणी फलंदाजाला तंबूचा रस्ता दाखवतोय आणि पाच चेंडू अजून बाकी, सोळा धावांची आवश्यकता. गंगा फलंदाजी करत होता भूषण, त्यावेळी वाटत होतं की कदाचित एक दोन चेंडू शिल्लक राहतात असं चित्र मैदानात होतं, कारण गंगा अतिशय तुफान आक्रमक फटकेबाजी करत होता. परंतु गंगा बाद झाला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा फलंदाज एकामागोमाग एक मैदानात बाद होत आहेत आणि पाच चेंडूंचा खेळ फक्त शिल्लक राहतोय. पाच चेंडू, सोळा धावांची आवश्यकता, आणखी एक नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडला सज्ज होतोय, सामना करतोय ओमकार. आखू टप्प्याचा चेंडू, एक सुंदर फटका गॅप मधन, चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला, चौकारासाठी चार धावांसाठी. मला माहिती सांगतायत की आता मात्र चार चेंडू अजून बाकी, चार चेंडूत बारा धावा असं समीकरण या मॅच मधलं. ओव्हर पिच चेंडू थोडासा या ठिकाणी फ्लाइटेड लेग ब्रेक चेंडू, अचूक टप्प्यावरचा थोडा ब्लॉक हॉल मधील चेंडू या ठिकाणी फलंदाजाचा, नीट बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग रनअपवर येतोय आणि तीन चेंडू आणि बारा धावा या सामन्या दरम्यान सामना जिंकण्यासाठी अजून दोन मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता. लेग ब्रेक पुन्हा चेंडू, एक शॉर्ट पिच चेंडू या ठिकाणी,
टप्प पडल्यानंतर थोडासा उसळी घेतोय चेंडू या ठिकाणी विकेट किपरच्या हातात विसावतोय आणि या निर्धाव चेंडू बरोबर आता मात्र सामना येऊन ठेवतोय तो दोन चेंडू आणि या दोन चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी दोन षटकार मारावे लागतील. यानंतरचा सामना होतोय तो फ्रेंडशिप चेंदवण आणि सिद्धेश्वर तळवडे या दोन संघादरम्यान. गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर. पुढे सरसावतोय या ठिकाणी पण एक जमणी लगतचा फटका मिडविकेटच्या दिशेनं आणि चित्ररक्षक चेंडूची परती करतोय. फक्त एकच धाव या ठिकाणी फलंदाजाला मिळते. शेवटचा चेंडू 11 धावा. सिद्धेश्वर तळवडे क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकतोय आणि बऱ्यापैकी फलंदाजी असल्यामुळे बहुधा प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतला जातोय. भरपूर म्हणजे 9व्या क्रमांकावर बॅटिंग आहे या संघाची आणि त्यामुळेच बॅटिंग घेतली जाते. खूप खूप धन्यवाद या ठिकाणी. अखुट टप्प्याचा चेंडू लेग ब्रेक चेंडू पुन्हा एकदा फलंदाज टॉपेजला लागतोय. फाईन लेगला 1 धाव या ठिकाणी आणि सामना या ठिकाणी संपतोय. गुणलेखक परशुराम यांच्यासोबत वळूया मॅन ऑफ द मॅच साठी या ठिकाणी. सर सामनावीर हा खेळाडू या ठिकाणी कोण ठरतो या मॅच मधला? आणि लगेचच सिद्धेश्वर तळवडे आणि फ्रेंडशिप चेंदवण या दोन संघादरम्यान यानंतरचा सामना होतोय. सामना 5 षटकांचा होतोय. प्रथम फलंदाजी करतोय तो सिद्धेश्वर तळवडे क्रिकेट संघ. तर मैदानात या ठिकाणी जायचं आहे ते फ्रेंडशिप चेंदवण क्रिकेट संघानं आणि मॅन ऑफ द मॅच या मॅच मधला परशुराम सर. बाबा मालवणकर यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच हे पारितोषिक वितरित करावं आणि मॅन ऑफ द मॅच आहे तो